वेलकम टू our टॉक अबाउट continuous improvements थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है क्वालिटी मैनेजमेंट की जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का हर फर्द है उसके हेड से लेकर उसके सबसे जूनियर मुलाजम तक तमाम कोशिश करते हैं कि उस क्वालिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो उसके प्रोसेसेस की क्वालिटी बेटर हो वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर करती है उनकी क्वालिटी बेटर हो सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम्स एट कॉन्टिन्यूसली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये एक मुसलसल कोशिश है इंप्रूवमेंट की जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसके ट्वेल्व uh, जो है वो स्टेप्स दिए गए हैं इन पर वन बाय वन बात करते हैं सबसे पहला है स्टेब्लिश ए क्वालिटी कल्चर सो

आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स कस्टमर स्टूडेंट्स भी होते हैं कस्टमर टीचर्स भी होते हैं और जो कस्टमर्स हैं जो मार्किटिंग uh, में कस्टमर्स भी कस्टमर्ज ही होते हैं तो जो भी कस्टमर्स हैं किसी अदारे के मसला तलीमी अदारे के जो प्राइमरी कस्टमर्स हैं वो उसके स्टूडेंट्स uh, होते हैं और जो सेकेंडरी कस्टमर्स हैं वो हमारे इम्प्लायर हैं या जो uh, तलीमी की प्रोडक्ट को बाय करते हैं यानी करते हैं नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर्स तो तलीमी इदारे के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक तो अपने तलबा की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और दूसरे एम्प्लायर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे स्टूडेंट से क्या चाहते हैं थ्रू इज दिस कैन बी डन थ्रू सर्वेज फीडबैक फॉर्म रिसर्च डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स यकीन इस काम के लिए हम रिसर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं फीडबैक फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जो है इंटरनल कस्टमर्स यानी स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी इम्प्लायर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं पॉइंट थ्री इज set quality objectives uh, define clear and measurable quality objectives that align with the organization's strategic goals zahir hai koi bhi jo organization hai uske ek long term strategic goal hote hain to hum jo hai वो quality को उन goals की रोशनी में clearly और measurable form में define करते हैं जो objectives हम बनाएंगे क्वालिटी के रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंगे अचीवेबल होंगे रेलिवेंट होंगे और टाइम बाउंड होंगे इन आ, इन जो इन सारी चीज़ों के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो इन पांचों खूसियात को एक में ही आ, जो है वो इकट्ठा करता है वो है लफज स्मार्ट फोर पॉइंट है जी क्रिएट क्वालिटी टीम्स सो नंबर वन है फॉर्म क्रॉस फंक्शनल टीम्स यानी इस तरह की टीम बनानी है जिसमें uh, मुख्तलिफ फंक्शंस के लोग शामिल हों यानी एक पूरी असेंबली लाइन है उसके तमाम जो स्टेप्स uh, के लोग शामिल हों मसलन अगर हमने यूनिवर्सिटी में कोई टीम बनानी है उसमें स्टूडेंट्स भी हों उसमें प्रोफेसर्स भी हो उसमें हेड्स भी हो उसमें मैनेजमेंट के लोग भी हो तो तभी वो एक कंप्रीहेंसिव जो फिक्र है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो पॉइंट वन है जी फॉर्म क्रॉस फंक्शनल टीम्स डेडिकेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स तो क्रॉस फंक्शनल टीम बनेगी जो के क्वालिटी के इनिशिएटिव के लिए काम करेंगी डेडिकेटेड होंगी टू इज डेट दीज टीम्स शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो लेवल्स हैं उन तमाम के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे इनको ये जो हम टीम्स बनाएंगे क्वालिटी uh, जो मैनेज करने के लिए इनको हम क्वालिटी टीम्स कहेंगे स्टेप फाइव इज प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रेनिंग और एजुकेशन के बगैर कोई भी बंदा जो है वो क्वालिटी का काम या uh, जैसे हम कहते हैं ना डू डू राइट थिंग एट द फर्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं कर सकता वरना वो ट्रायल एंड एरर से सीखेगा अधारे का वक्त ज़ाया करेगा दारे के जाया करेगा तो इसमें स्टेप वन है ट्रेन इंप्लाइज एट ऑल लेवल्स इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल टूल्स एंड टेक्निक्स तमाम लेवल्स के एम्प्लॉज को हम जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के असूलों पर आ, उनकी ट्रेनिंग करेंगे उनके टूल्स पर उनकी ट्रेनिंग करेंगे और टेक्निक्स पर उनकी ट्रेनिंग करेंगे uh,

और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होती है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है इसमें आप जानते हैं कि हम देखते हैं कि किस स्टेप पर कितना एरर आ रहा है अगर बहुत कम हो यानी अगर 10 लाख में से एक है तो उसको हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं अगर ज्यादा हो तो उसको हम फिर मेंड करते हैं दुरुस्त करते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस गिवन जो एक एक्सेप्टेबल नंबर है उससे ज्यादा फाल्टी प्रोडक्शन कर रही है तो इसमें भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथड्स हैं उनमें भी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी पॉइंट सिक्स इज इंप्लीमेंट क्वालिटी टूल्स सो

और कहाँ जो है वो अभी दूसरे मरहले में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और फिर जब हमारे पास एनालिसिस होगा तो तभी हम राइट right प्लेस पर इंटरवेंशन कर सकेंगे जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उसमें प्रेटो एनालिसिस हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, है यानी किस चीज़ से क्या हमें मिल रहा है प्रोसेस मैपिंग है और बेंच मार्किंग है जो पेटो एनालिसिस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको अगर हम नोट में देखें तो ये एक ये जो पेटो एनालिसिस है इस प्रीमाइज़ पर बेस करता है कि अगर हम 80 फीसद बेनिफिट किसी भी प्रोजेक्ट में 20 फीसद काम करके हासिल कर सकते हैं और इसी तरह 80 फीसद प्रॉब्लम्स जो हैं वो 20 फीसद काजेज की वजह से होती हैं अगर हम पूरी पूरी जो मेहनत से मोटे मोटे काजेज जो डैमेज कर रहे हैं उनको डेंटिफाई कर लें और उसका सिर्फ पांचवा हिस्सा हम रिमूव कर दें सॉल्व कर लें तो 80 परसेंट प्रॉब्लम हमारे हल हो जाते हैं तो इसी तरह जैसे हम काम बहुत सारे कर रहे होते हैं ट्रिवियल काम भी होते हैं तो इस तरह हम जो जितने भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी लिस्ट बना लें और उनमें से 20% परसेंट कर लें जो आम है तो हमें 80% परसेंट जो है वो बेनिफिट उन्हीं से हासिल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं पॉइंट अनालिसवन है इनकरेज इंप्लॉयी इन्वॉल्वमेंट किस में भला टी क्यू एम में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इंपावर इंप्लॉयीज टू कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट प्रोसेस बाय सेलिस देयर आइडियाज़ फीडबैक एंड सजेशन्स फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमने आ, जो है वो सलेट करना है सालिसटिंग करनी है जो अपने जो इम्प्लाइज हैं उनके ख्याल की फीडबैक की और सजेशन की ताकि हम सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें टू इज रिकोगोगनाइज एंड रिवॉर्ड इम्प्लाइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तो अगर हम उनको रिकोगनाइज करें और उनको रिवार्ड दें तो ज़ाहिर है वो इनकरेज होते हैं अगर हम उनसे मशवरा लें तो भी वो इनकरेज होते हैं तो दोनों काम हमने करने हैं स्टेप एट इज मयर एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए उसे मयर करना भी जरूरी होता है और उसे मॉनिटर करना भी जरूरी होता है

ट्रैक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट तो रेगुलर डाटा कलेक्ट करना है और रेगुलर हमने एनालिसिस करना है ताकि हमें ट्रेंड्स का पता चले हमें हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता चल सके मसलन हमें अंदाज़ा हो कि किस काम करने से प्रोग्रेस हमारी बढ़ गई है और किसकी वजह से कम हो गई है ताकि हम जिनकी वजह से प्रोग्रेस बढ़ती है उन पर ज्यादा तवज्जो दें और जिनकी वजह से कम होती है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करें पॉइंट नाइन इज स्टेप नाइन इज इम्प्लीमेंट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस सो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सो फोस्ट ऑफ ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बाई रेगुलरली रिव्यूइंग प्रोसेस आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंटिंग चें चेंजेस एंड मईरिंग द रिजल्ट तो हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं अपने प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है फिर हम वो चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हैं ये इंप्रूवमेंट्स करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी इंप्रूवमेंट से वाकई फायदा हुआ या फायदे की बजाय नुकसान हो गया स्टेप टेन इज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेस ही इसी पे करती है कि हम हर वक्त एक्सीलेंस के लिए मेहनत करते हैं सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम इनिशिएटिव बट एन ऑन गोइंग कमिटमेंट टू एक्सीलेंस तो हमेशा ये जो है वो एक कमिटमेंट टू एक्सीलेंस का नाम है इनकरेज अ माइंड सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इनोवेशन एंड लर्निंग थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनरीज हैं हर स्टेप पर वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें प्रोसेस में इनोवेट करें और जो नए तरीके की लर्निंग करें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो एक्सीलेंस को अचीव करने की तरफ सफ़र करते रहे सो so क्वालिटी में जो प्रोग्रेस होती है उसे हम अपने कोलीज के साथ शेयर भी करते हैं और उसे सेलिब्रेट भी करते हैं इससे वो मोटिवेट रहते हैं और फिर वो कोशिश करते रहते हैं ताकि उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट लाए ट्वेल्थ स्टेप है जो कि लास्ट भी है रिव्यू एंड अडेप्ट रेगुलरली रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव सोलिसिट फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डरस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नेसेसरी टू इंश्योर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एक जो एक जो बहुत बड़ा बैरियर है खास तौर पर हमारे कल्चर के अंदर कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसे इम्प्रूव करने की बजाय डिफेंड करने लग जाते हैं कोई भी उनको फीडबैक दें तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं इससे दो बड़े नुकसान होते हैं एक तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रुक जाती है और दूसरा उनका जो अखलाक पहलू है वो भी कंप्रोमाइज होता है तो ये एक ये आम तौर पर नॉलेज में कमी की बना पर होता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बचना है ताकि वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ जाए तो वो स्टेक होल्डर से फीडबैक लें उसमें अपने काम में एडजस्टमेंट करें जो नेसेसरी हो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक होंगी हमने गुफ्तु की है 12 पॉइंट्स पर इनमें पहला था इस्टेब्लिश ए क्वालिटी कल्चर ये टी क्यू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है जिसको टी क्यू एम भी कहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर के स्टेब्लिश के करने पर हमने बात की कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन में सबको समझ हो कि वो क्वालिटी के लिए एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं दूसरा है आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड तो हमें कस्टमर की जो नीड्स का पता होगा तो उन्हें अचीव करने के लिए हमने एक्सीलेंस गेन करनी है यानी अगर हमें कस्टमर्स की नीड का अंदाज़ा नहीं है तो फिर हमारा फोकस ही डिस्टर्ब रहेगा तो तीसरा है सेट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव की सेटिंग के बगैर हमारी बहुत सारी एफर्ट्स ज़ाया हो जाती है एफर्ट जिससे सिंक नहीं कर पाती और हमें ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते हैं फोर्थ है क्रिएट क्वालिटी टीम्स तो क्वालिटी टीम्स बनाएंगे तो वो काम करेंगी और हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ जाने का मौका मिलेगा फिफ्थ है जी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उन टीम्स को हमें ट्रेनिंग भी देनी है और उन्हें एजुकेट भी करना है रादर तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हमें लर्निंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है ताकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ सफर जारी रह सके इम्प्लीमेंट क्वालिटी टूल्स किसी इंटरवेंशन के बगैर तो जाहिर है क्वालिटी बेहतर नहीं होगी जब हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा तो इसलिए क्वालिटी के टूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा सेवन है इनकरेज इम्प्लाई इन्वॉलमेंट तो इम्प्लाइज की इन्वॉलमेंट के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते उनको पूछना ही उन्हें मोटिवेट करना है उनको साथ लेकर चलना ही उन्हें मोटिवेट करना है उन्हें एजुकेट करना ही एक्सीलेंस की तरफ सफर है एट पॉइंट इज मयर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस मैयर एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस है प्रोग्रेस है तो जब हम मैयर नहीं करेंगे मॉनिटर नहीं करेंगे तो जाहिर है हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ सफर नहीं कर सकेंगे नाइंथ इज इंप्लीमेंट कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस तो जो क्वालिटी का एक जो एक बड़ा पिलर है वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है तो हम कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहते हैं प्रोसेस इंप्रूव होगा तो तभी प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव होगी टेंथ है स्टॉइ फॉर एक्सीलेंस क्वालिटी तो है ही स्टाइफ फॉर एक्सीलेंस का नाम हर कदम पर हर प्रोसेस में हर प्रोडक्ट में हर सर्विस में हर स्टेप में हम एक्सीलेंस को अचीव करने की कंटिन्यूस एफर्ट करते रहते हैं अलेवेंथ इज कम्युनिकेट एंड सेलिब्रेट सक्सेसेज तो जो भी हम छोटी छोटी सक्सेसेस को अगर सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे एम्प्लाई मोटिवेटेड रहेंगे हमारे जो जो टीम है वो बनी रहेगी और हमारी जो सफर है टोटल क्वालिटी की तरफ एक्सीलेंस की तरफ वो जारी रहेगा लास्ट पॉइंट इज रिव्यू एंड अडेप्ट तो हमें स्टेक होल्ड होल्डर से फीडबैक भी लेना होता है अपने आप को अकले कुल बिल्कुल नहीं समझना दूसरों से पूछना है मशवरा करना है दूसरों की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और अपने प्रोसेस को अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विसेज को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी सी यू इन द नेक्स्ट टॉक